जोर जोर से नारेबाजी करते और पुलिस व सुरक्षा बलों के वाहन को जबरन पीछे हट जाने की चेतावनी देते हुए ये उग्र भीड़ जमा हुई है माता वैष्णो देवी के लिए यात्रा के शुरुआती स्थल कटरा में, जो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकूट पर्वत स्थित वैष्णो देवी मंदिर की ओर जाने वाले पैदल मार्ग पर रोपवे के प्रस्तावित प्रोजेक्ट का जबरदस्त ढंग से विरोध कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ यहां के दुकानदार और खच्चर पिट्ठू वाले कामगारों ने आवाज उठाई है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग उठाते हुए प्रदर्शन किया, लेकिन देखते ही देखते इस प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया और पुलिस के वाहनों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी आई। इसके बाद इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई, जिन्होंने इस उग्र भीड़ को किसी तरह से शांत किया। यहाँ पे पिछले 3 दिन से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमको हम हैंडल कर रहे थे। अभी उन्होंने कुछ इनके साथ कुछ लोग होंगे जिन्होंने पथराव हमारे पुलिस कर्मियों पे किया, सो वी आर नाउ ट्राइंग टू हैंडल दिस सिचुएशन और अफसर और टॉकिंग टू देम, देयर लीडर्स, होपफुली समथिंग विल कम। दरअसल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से तालकटोरा मार्ग से सांझी छत के बीच 12 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 250 करोड़ रुपए की लागत वाली यात्री रोपवे परियोजना को लागू करने की घोषणा हुई है। इसके बाद दुकानदारों, टट्टू और पालकी मालिकों की 3 दिवसीय हड़ताल शुक्रवार को शुरू हुई थी, जो अब तक जारी है। दुकानदारों और टट्टू और पालकी मालिकों की संयुक्त समिति के एक सदस्य ने कहा कि 72 घंटे की हड़ताल को 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि वे अपने इस आंदोलन को जारी रखेंगे और आगे की योजना पर काम करेंगे। गौरतलब है कि शिवसेना यूबीटी की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख मनीष साहनी ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर इस मांग का समर्थन किया और कहा कि रोपवे परियोजना हिंदू श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के समान है, साथ ही श्रद्धालुओं को सेवाएं प्रदान करने वाले मजदूरों के हितों को भी नुकसान पहुंचाएगी। कांग्रेस नेता और मजदूर संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जामवाल ने भी मांग दोहराई कि सरकार को प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास योजना बनानी चाहिए, साथ ही प्रभावित होने वाले मजदूरों को 20-20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जानी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।